नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात में सवाल उस बात पर कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों के सपनों पर पानी फिर गया, टीटी का पेपर क्या लीक हुआ, करीब 20 लाख नौजवानों की मेहनत बर्बाद हो गई। बीते रविवार को ही इस परीक्षा में अब तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 34 गिरफ्तारियों के बीच में दो गिरफ्तारियां बहुत अहम हैं, जिनका जिक्र होना यही मुद्दे की बात है। ये दो गिरफ्तारियां हैं आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड कंपनी का मालिक राय अनूप प्रसाद और उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी। राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय, ये दो गिरफ्तारियां अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारियां हैं। दरअसल इस टीटी परीक्षा के लिए जो पेपर बनवाया गया, पेपर बना उसको छापने की जिम्मेदारी एक ठेका दिया गया आरएसएम फिनसर्व को। राय अनूप प्रसाद की है कंपनी है जिसको एक ठेका दिया गया 13 करोड़ के लगभग का, क्योंकि एक पेपर को छापने की जो कीमत थी वो 60 रुपए आंकी गई। 60 रुपए का ठेका था एक पेपर छापने पर, वो राय अनूप प्रसाद की कंपनी आरएसएम फिनसर्व को दी गई। ये पेपर छापेंगे, छापने के बाद जिलों की ट्रेजरी में ये पहुंचा कराएंगे। ये जिम्मेदारी थी, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी इनके ठेके पर। अब बात आरएसएम फिनसर्व की, ये कंपनी क्या है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अपनी प्रिंटिंग यूनिट तक नहीं है, ये बताया जा रहा है। और यूपीएसटीएफ ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि इसके पास सिक्योर्ड प्रिंटिंग की तो व्यवस्था थी ही नहीं। ये ऑनलाइन परीक्षा जरूर कराती है, तमाम जो निजी कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भर्तियां जरूर कराती है, लेकिन वो ऑनलाइन परीक्षा होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, ऑनलाइन परीक्षा कराती है। लेकिन ऑफलाइन परीक्षा, यानी जिस परीक्षा में प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, उस परीक्षा को कराने का इस कंपनी को कोई अनुभव नहीं था। तब भी इसको ठेका दे दिया गया 13 करोड़ के लगभग का, क्योंकि 19,99,000 के लगभग अभ्यर्थी बैठे थे, यानी 20 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, तो करीब माना जा रहा है कि 21 से 22 लाख के करीब पेपर छपा होगा, तो 13 करोड़ की रकम होती है, ये इसको ठेका दिया गया। इसने क्या किया, ये खुद नहीं छाप सकता था राय अनूप प्रसाद आरएसएम फिनसर्व कंपनी, तो इन्होंने इस ठेके को सबलेट कर दिया 4 अन्य प्रिंटिंग प्रेस को, वहां पर ये पेपर छपवाए गए। और उस पेपर को छपवाने के बाद इसने जिलों की ट्रेजरी में 28 तारीख यानी जब पेपर हुआ रविवार को, तो वहां तक पहुंचाए। यूपीएसटीएफ को शक है कि इसी छपाई और छपाई के बाद जो पेपर है उसका ट्रेजरी में पहुंचने के दौरान ही पेपर कहीं से लीक हो गया। परीक्षा की शुचिता को, परीक्षा की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए जो नियम बनाए गए थे उनकी अनदेखी की गई। कंपनी जो मानकों पर नहीं थी उसको ये ठेका दिया गया, लिहाजा, और इस कंपनी ने भी अपने ठेके को 4 लोगों को सबलेट किया, लिहाजा इस कंपनी के मालिक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। दूसरी गिरफ्तारी संजय उपाध्याय की, ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस परीक्षा की जो शुचिता है, जो गोपनीयता, उसको बरकरार रखें। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने उस कंपनी को ठेका दे दिया जो कभी अपना प्रिंटिंग प्रेस जिसके पास नहीं था, जिसके पास अपना परीक्षा कराने का कोई अनुभव नहीं था, यानी नियमों की अनदेखी करते हुए इन्होंने ये ठेका दे दिया, और जिसके बाद अब संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपीएसटीएफ, सॉल्वर गैंग, सॉल्वर मुहैया कराने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई है। लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिर ऐसी कंपनी का सिलेक्शन किया किसने और किस दबाव में किया गया, क्यों किया गया। संजय उपाध्याय क्या इस कंपनी के सिलेक्शन में अकेले शामिल थे, या संजय उपाध्याय के साथ तमाम अन्य लोग भी इस कंपनी के सिलेक्शन में बनाए गए थे, उस कमेटी को बनाए गए थे, और इस कंपनी के सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया क्यों क्या था, क्यों उस नियमों की अनदेखी की गई जिसके तहत जिस प्रिंटिंग प्रेस की अपनी कैपेसिटी ही ना हो, जो सिक्योर्ड प्रिंटिंग करने की, यानी सिक्योर्ड प्रिंटिंग का एसटीएफ ने साफ तौर पर दावा किया है कि सिक्योर्ड प्रिंटिंग करने में आरएसएम फिनसर्व सक्षम नहीं थी, उसके पास कोई इंतजाम नहीं थे। सिक्योर्ड प्रिंटिंग क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं। जो प्रिंटिंग बहुत अहम सिक्योरिटी के हिसाब से, यानी कि बजट नोट, जो करेंसी होती है, नोट छापना, बजट छापना,
और इसके साथ ही जो स्टैम्प पेपर होता है छापने का जो काम होता है जो राजकीय मुद्रणालय में किए जाते हैं, ऐसे ही या पेपर छापने का काम, ये सिक्योर्ड प्रिंटिंग यानी एक SOS बना हुआ है, एक नियमावली बनी है कि अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस कुछ ऐसे दस्तावेजों को छापती है तो उसको ये सिक्योर्ड प्रिंटिंग के जो नियम है उसका पालन करना होगा, उसके पास ऐसे इंतजाम होने चाहिए। लेकिन इस कंपनी के पास सिक्योर्ड प्रिंटिंग के इंतजाम ही नहीं थे, और सिक्योर्ड प्रिंटिंग तो छोड़ दीजिए, प्रिंटिंग अपनी यूनिट ही नहीं थी। यही वजह थी कि कहा जा रहा है कि इसके पास अपनी यूनिट नहीं थी, तो इसने ये ठेका 4 अन्य प्रिंटिंग प्रेस से छपवा कर ये पेपर अपना पूरा कराया और उसके बाद जिलों को पहुंचाया, वहां पे ट्रेजरी में जमा कराया। फिलहाल संजय उपाध्याय गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। कंपनी के तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब UPSTF यह जानने की कोशिश में लगी हुई है कि ये पेपर लीक कहां से हुआ। UPSTF को शक है कि ये पेपर छापने, पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं से लीक हुआ, या तो किसी गैंग ने लीक किया, या फिर प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने, या इस कंपनी के कर्मचारी ने, या जहां दूसरी प्रिंटिंग प्रेस जिसको सबलेट किया गया वहां के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से किसी सॉल्वर गैंग ने पेपर लीक कराया। इन तमाम बिंदुओं पर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन एक सवाल यथावत बरकरार है कि आखिर इस कंपनी के सिलेक्शन के पीछे की मंशा क्या थी। क्या सिर्फ कमीशन खोरी जिम्मेदार है, या फिर कोई ऐसी चीज कि इस कंपनी को ही ठेका देने के लिए कहीं से कोई दबाव था। यह भी UPSTF को अपनी जांच में साफ करना होगा कि आखिर इस कंपनी का सिलेक्शन किन मानकों पर किया गया था। फिलहाल मुद्दे की बात में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।